मैं जो है ई रिक्शा का वीडियो बनाता हूँ, मैं ई रिक्शा का जो वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को, इसलिए कि जो आप लोग हमारे रिक्शे वाले भाई हैं तो जैसे मान लीजिए रास्ता में फंस गए हैं तो हमको जो है कैसे क्या काम करना है कुछ पता तो होता नहीं है, हमारे जो रिक्शा वाले भाई होते हैं तो उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल के द्वारा से। तो मेरा जो चैनल है रिक्शा रिपेयरिंग 553, इस पर हम लोग वीडियो डालते हैं, जो रिक्शा का हम लोग काम करते हैं रिक्शे के बारे में नॉलेज देते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये एक मोटर है, मोटर ये जो है 1000 वाट का है, सबसे बढ़िया मोटर जो है ये जो है काम करता है, 1000 वाट का मोटर है। तो मोटर को हम आज दिखा रहे हैं कि कैसे आप लोगों को मोटर खोला जाता है, उसके बारे में मैं आज जानकारी देता हूँ। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेचकस के द्वारा से सबसे पहले नट को खोलते हैं, आज सारी जानकारी हम लोग बताते हैं वीडियो के माध्यम से, जो रिक्शे वाले भाई हैं हमारे विशेष तौर से उनको लोगों को जानकारी देता हूँ, जो छोटा मोटा काम करते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कैसे आप लोगों को काम करना है। बहुत अच्छा सा काम है रिक्शा का, जो इलेक्ट्रॉनिक है बेहतरीन काम है, इसको हम लोग काम आसानी से करते हैं, इसमें जो ज़्यादा विशेष काम इसमें नहीं है, थोड़ा सा जो आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को सभी को समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। देखिए हमने इसको निकाल दिया है, इसके बाद में क्या करते हैं इसको निकालते हैं, इसमें एक लॉक लगी होती है लेकिन इसमें एक लॉक नहीं लगी है, इसको हम ऐसे खोल लेते हैं, इसको निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं इसके बाद में, सबसे पहले ये एक 3 नंबर की लंकी होती है, सारे नट को हम लोग ढीला कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा काम इलेक्ट्रॉनिक है, ये रिक्शा नंबर 1 का काम चलता है। जो लोग हमारे भाई हैं काम सीखना चाहते हैं तो काम भी सीख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, कोई विशेष इसमें ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग आसानी से काम कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि रास्ते में आपका मोटर ही ख़राब हो गया तो आपको पता ही नहीं है कि हमको मोटर कैसे खोलना है क्या करना है, तो हम पूछते हैं सभी लोगों से। इससे बढ़िया यह है कि आप लोग YouTube चैनल पे जो वीडियो हमारे पड़े हैं उसको देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा कैसे काम करना है क्या नहीं करना है, कैसे मोटर खोलना है क्या दिक्कत है। कभी कभी ये होता है कि मोटर जाम हो जाता है, गाड़ी खींचने में दिक्कत होती है, बहुत लोग तो फ़ोन करते हैं कि मिस्त्री साहब यहाँ दिक्कत हो गई है यह हो गया है, तो हम लोग कहते हैं क्या दिक्कत है, तो मोटर बोलते हैं उसका तो मोटर खोलना ही नहीं मालूम कैसे मोटर खोला जाता है। ये जो स्क्रू लगे होते हैं जो 3, उसके सामने हमसे ठोकर मारते हैं, इससे ठोकते हैं तो ये क्या होती है प्लेट वायर को होती है, ऐसे जो है इसको हम धीरे धीरे से निकालते हैं, जब आराम से काम करेंगे कोई सिरदर्दी वाला काम नहीं इसमें, बिल्कुल शांतिपूर्वक जब काम करना है तो बिल्कुल आराम से करिए, धीरे धीरे से ठोक ठोक के निकालते हैं। ये जो है हम प्लेट निकाल दी है, प्लेट निकालने के बाद में क्या करते हैं हम, एक हमने पाइप लिया है इसको पाइप के माध्यम से हम लोग निकालते हैं मैग्नेट को। अब मैग्नेट निकालने में बहुत सी ताकत लगती है, अब मैग्नेट कैसे निकालना है ये हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मैग्नेट निकाला कैसे जाता है। हम क्या करते हैं इसको जो है पाइप को हम इसमें जो है लगा लेते हैं और ऐसे रख लेते हैं, इसको रखने के बाद में 2 चाबी होती हैं, चाबी के माध्यम से एक इसमें फंसा ली एक इसमें। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नेट से बच के रहना है, ये मैग्नेट इतना ख़तरनाक है कि आपकी जो उंगली इसमें दब जाएगी तो आपकी उंगली में चोट लग सकती है, तो हमको बहुत सफाई से काम करना है, इसको मैग्नेट को भी निकालना है बहुत सफाई से काम करना है। तो कैसे हम लोग निकालते हैं आज हम बता रहे हैं कि मैग्नेट कैसे निकाला जाता है, मोटर के खोलने की कैसे हम लोग काम सीखें। अब हम क्या करना है, इसको हम खाले को दबाएंगे और मैग्नेट ऊपर को फेंकेगा, ऐसे इसको मैग्नेट को ऊपर कर लो हाथ में, मैं दबा रहा हूँ ऊपर को उठ जाएगा। अब जो है ये मैग्नेट निकाल दिया, इसको हम लोग मैग्नेट को निकाल लेते हैं, ऐसे जो है मैग्नेट निकाला जाता है। देखिए मोटर पूरा खोल दिया है, ऐसे मोटर को खोला जाता है।
आसानी से जो है आप लोग का घर पर जो है काम कर सकते हैं, ऐसे जो है मोटर को सर्विस कर सकते हैं, बाकायदा सफाई कर सकते हैं। सफाई करने के बाद में जो है आराम से जो है ये मोटर जो है खुल गया, फुल मोटर, अब कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।